सो स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ. सो लेट्स सी फर्स्ट टाइम ब्लूजम एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है. सो गाइस बारिश शुरू हो गई. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. आई नो आप लोगों को मेरे आईज़ एंड मेरा फेस पफी पफी सा बहुत फूला हुआ लग रहा है बिकॉज मैं थोड़ी देर पहले सोकर उठी हूँ. सो एज़ यू ऑल नो दैट कि आज का वीडियो एक व्लॉग है. तो व्लॉग किस टॉपिक पर है आप लोगों को थंबनेल देकर ऑलरेडी पता चल ही गया होगा, बट फिर भी मैं फॉर्मेलिटी के लिए आप लोगों को बता देती हूँ कि आज का व्लॉग है डिब्रूगढ़ के एक रेस्टोरेंट के ऊपर. आप रेस्टोरेंट, नर्सरी, टी गार्डन कुछ भी बोल सकते हो. सो टुडेज व्लॉग इज़ ऑन द ब्लूजम एक्जोटिका नर्सरी कम टी गार्डन. वैसे तो उस रेस्टोरेंट को काफ़ी टाइम हो गया बट मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ. टुडे आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस, वेरी ब्लू टी शर्ट ड्रेस, जिसके ऊपर मैंने थोड़े दिन पहले एक हॉल वीडियो डाला है. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वाली वीडियो देख लेना प्लीज. सो लेट्स सी क्या होता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन विद द व्लॉग. गाइज हम लोग पहुंच गए ब्लूजम एक्जोटिका. ये बेसिकली नर्सरी है एंड आप रेस्टोरेंट भी बोल सकते हो. आप यहाँ पर प्लांट वगैरह खरीदने के लिए आ सकते हो. आज का वेदर बिल्कुल सूटेबल है घूमने के लिए. हवाएं चल रही है एंड धूप बिल्कुल भी नहीं है. आई लव दिस टाइप ऑफ वेदर. सो लेट्स सी फर्स्ट टाइम ब्लूजम एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है. सो लेट्स गो. सो स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ गाइज. गाइज़ अगर आप लोगों को ग्रीनरी देखने का बहुत शौक है, फूल पत्ते देखने का बहुत शौक है, तो आपको यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा. यू कैन सी दिस पर्पल फ्लावर, इट्स सो ब्यूटीफुल. आप लोग देख रहे हो ये फ्लावर कितने सुंदर है, मेरे नेल पेंट से भी मैच कर रहा है. आपको हर जगह यहाँ पर चाय बगान ही दिखेगा, देख सकते हो आप पीछे मेरे. आई मीन चाय बगीचा, असम में बगीचे को बगान बोलते हैं एंड मैं असम में रहती हूँ. सो या सो गाइस असम की बात करते हैं. सबसे पहले मन में आता है चाय बगान. सो जो असम में रहते हैं उन लोगों को पता है और बाहर भी लोगों को पता है कि असम की स्पेशलिटी है चाय, एंड इसीलिए हम लोगों को चाय बगान बहुत पसंद है. एंड ये रेस्टोरेंट बिल्कुल ही चाय बगीचे से घिरा हुआ है. आई थिंक ये पहले चाय बगान ही था एंड बाद में ये रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हुआ. इस रेस्टोरेंट को ओपन हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है. मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर काफ़ी आए थे यहाँ पर बट मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ एंड मुझे यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है. आज के वेदर की वजह से मुझे यहाँ पर आकर ज़्यादा अच्छा लग रहा है. धूप नहीं है, बहुत नॉर्मल सा वेदर है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है. सो या दैट्स वाई. एंड एन्जॉय करने की काफ़ी सारी चीज़ें हैं एंड फ़ोटोज़ क्लिक करने की भी काफ़ी सारी जगह है, तो आप यहाँ पर आकर बहुत एंजॉय करोगे. सो गाइस बोटिंग करने चलते हैं. यहाँ पर मछली है कहने का लगी से भले ही से. गाइज बोटिंग करके मज़ा आ गया बट हम लोग ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाए बिकॉज पानी कम था तो बोट अच्छे से चल नहीं रहा था, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा देर तक नहीं घूम पाए बट फिर भी मज़ा आया घूमकर. गाइज मुझे बैठना है उस वाले झूले पर बट वो दी हट नहीं रही है, तो मैं वेट कर रही हूँ वो हटेंगी तो मैं बैठूँगी.
यहाँ पर ऐसा ही होता है, सब झूले में बैठने के लिए खड़े रहते हैं और एक हटेगा तो एक बैठेगा, ऐसा है। मैंने फ़ोटोज़ भी क्लिक नहीं किया अभी तक अच्छे। फाइनली वो भैया तो हट गए, बट अच्छा हो गया, कोई बात नहीं। 250, सो एक्सपेंसिव। सो गाइज, दिस इज़ द हैंगिंग ब्रिज, झूलना ब्रिज जिसको बोलते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा हिल रहा है। दिस इज़ द ट्री हाउस। सो गाइज, यू कैन सी यहाँ हर चीज़ आपको बैम्बू से बना हुआ मिलेगा, ये सारी टेबल चेयर यहाँ तक। तो चलते हैं, बारिश। सो गाइज, बारिश शुरू हो गई, इट्स रेनिंग। गाइज़, अभी शाम होने वाली है एंड बारिश भी शुरू हो गई, तो हम लोगों को घर जाना पड़ेगा अभी। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। आई पोस्ट न्यू वीडियो एवरी वीक, सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, डू लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।